आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के हैदरपुर सब्जी मंडी के पास एक बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी। लगातार आग पर काबू पाने की जा रही है कोशिश। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नरेला, अशोक विहार और बवाना कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आग लगने की घटनाओं से अभी दिल्ली वासी पूरी तरीके से ऊपर भी नहीं पाए थे कि आग लगने की और घटना दिल्ली के छतरपुर जिला के सभी सामने आ गई। हैदरपुर इलाके में सब्जी मंडी के पास एक बिल्डिंग में आग लगी और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। समय रहते आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर समय रहते काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ। किस वजह से आग लगी थी अभी तक साफ नहीं हो पाया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का काम अभी भी लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि कूलिंग का काम ही पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, जिसके बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो पाएगी और जांच में ये भी साफ हो पाएगा कि आग किन कारणों से लगी थी। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। ये मकान में आग लगने की सूचना मिली थी हमें लगभग 8:30 बजे। क्या लोकेशन था? गली नंबर 7 हैदरपुर गांव। मौके पे कितने गाड़ी थी सर? 2 गाड़ियां हैं। अभी क्या कोई इंजर? नहीं, इंजर्ड कोई नहीं है। वैसे काबू पा लिया है, कूलिंग आ रही है अभी। वजह का पता लग पाया था? क्या वजह थी? नहीं, अभी इस तरह कुछ नहीं है। हम आग बुझाई है अभी। आग पे काबू पा लिया गया? हाँ बिल्कुल। काल सर एक बार अपना परिचय बता दें। स्टेशन ऑफिसर यशपाल सिंह वजीरपुर से। क्या नाम है? मेरा नाम रंजित है। हाँ। और राष्ट्रीय बजरंगदल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मैं विधानसभा जिला अध्यक्ष हूँ और ये हमारे गोलू भाई वार्ड एक्सेप्ट के अध्यक्ष हैं। अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता अपना काम छोड़कर, खाना छोड़कर भी मौके पर पहुँचते हैं और लोगों की हेल्प करने की सहायता करते हैं। आज जैसे आपकी सूचना मिलती है, पीछे गली में भाई रहते हैं, सूचना मिलते ही तकरीबन 20 से 25 कार्यकर्ता मौके पर पहुँचे राष्ट्रीय और साथियों के साथ मिलकर, फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग बुझाने में सबसे पहले जो है मदद की और ट्रैफिक कंट्रोल किया। गाड़ी को इसके अगर किसी की गाड़ी या रेडी या कोई साइकिल सपोर्ट खड़ा होता है तो उसको सरकार अपने जब्त में लेती है, मगर इसी क्षेत्र में क्यों आज से पहले भी हादसा हुआ इस चीज़ में? अगर ऐसे ही चलता रहा, जो मेरे तमाम भाई आग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अगर इसी तरह हिंदू भाई अगर इन्हें खड़े हुआ ना तो अगला शिकार अपना हिंदू भाई कोई ना कोई होएगा। मेरी यही तमन्ना, जो वीडियो बना रहे आज संघर्ष लड़े और खड़े हुए। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।